नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सेक्शन यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है ज़ूमिस 64 इस सॉफ्टवेयर के ऊपर। ये सॉफ्टवेयर बेहतरीन सॉफ्टवेयर है दोस्तों, और इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप आपका डेस्कटॉप का स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं, आपका लैपटॉप का स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं, और ये फ्री वर्जन है। हम इसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं बता दें आपको। आपको सिंपली गूगल क्रोम पे आना है और यहाँ पे लिखना है ज़ूमिस 64। आप जैसे ही ज़ूमिस 64 लिखेंगे तो आपको यहाँ पे docs.microsoft.com इस वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका ये ज़ूमिस वर्जन 6.01 ये लिंक ओपन हो जाएगी और यहाँ से आप डाउनलोड कर दीजिए। डाउनलोड करने के बाद में कुछ इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा, जिप फाइल आपकी इसमें डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद में आप इसे ओपन करिए, शो इन ओपन ओपन कर दीजिए। और ओपन करने के बाद में आप इसे ओपन होने के बाद में आपको इस तरह से ये फोल्डर में डाउनलोड फोल्डर में देखेंगे। आप इसे कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद में आप कोई भी एक फोल्डर बना लीजिए, इसको इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। फोल्डर बना लीजिए, इसमें लिख देते हैं हम, ठीक है। अब यहां से इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, राइट क्लिक कीजिए, एक्सट्रैक्ट हेयर कर लीजिए। अब आपको ये वाली फाइल डेस्कटॉप पे सेंड कर देनी है, बस। अब आपको कुछ भी करना नहीं, यहाँ पे मैंने पहले क्रिएट करके रखा था, अब भी दूसरी आ गई, एक को डिलीट कर देते हैं हम, हमारे को एक ही फाइल ही काम है। तो ये फोल्डर आप कहीं पे भी रख सकते हैं, आपने तो शॉर्टकट बना लिया है। अब आपको कैसे रिकॉर्ड करना है वो भी बता देते हैं। यहाँ पे आपको इस फाइल को रन करना है, पहले रन हो गई, जूम लाइव जूम ड्रॉ टाइप ब्रेक, इसके ऊपर मैंने पहले ही डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे आई बटन पे जाके देख सकते हैं। हम इस वीडियो में हम देखेंगे रिकॉर्ड कैसे करते हैं। इसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl 5, हम इसे ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद में यहाँ पे देखिए शॉर्टकट आइकॉन क्रिएट हो चुका है। ऑप्शन ब्रेक टाइमर ड्रॉ जूम रिकॉर्ड, ये सभी ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाए हुए। हम रिकॉर्ड देखते हैं, अब रिकॉर्ड कैसे करते हैं। रिकॉर्ड करने के लिए आपको सिंपली Ctrl 5 बटन दबाना है कीबोर्ड से, हम दिखा देते हैं आपको। ये देखिए वर्चुअल कीबोर्ड ओपन कर रहे हैं हम, यहाँ से कंट्रोल और ये 5। अब देखिए डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे हमने रिकॉर्ड का ऑप्शन एक्टिवेट नहीं है, जैसे हम 5 बटन दबाएंगे तो एक्टिवेट हो जाएगा। आपको ये वाला 5 नहीं दबाने का, ये वाला 5 दबाने का। तो ये देखिए अब रिकॉर्ड ऑप्शन एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। अब हम यहाँ पे कोई एक्टिविटी करते हैं, जैसे मैं एक ये वाला एक्टिविटी कर रही है, उसके बाद में इसे रिफ्रेश करता हूँ, ये दो चार एक्टिविटी होगी। अभी से मैं इसे भी क्लोज कर देता हूँ, इसे मिनिमाइज करता हूँ, मिनिमाइज कर दिया। अब फिर से इसे ओपन करता हूँ और यहाँ से कंट्रोल फिर से 5 दबाता हूँ तो ऑटोमेटिकली हमारा रिकॉर्डिंग सेव हो जाएगा। ये देखिए फाइल सेव करने के लिए पूछ रहा है, अब इसे आप सेव कर दीजिए। अब इसे हम प्ले करके देख लेते हैं, हमने जो भी एक्शंस किए वो रिकॉर्ड हुए या नहीं। देखिए हमने क्या किया था, यहाँ पे गए थे हम, देखिए हमने जो जो एक्शंस यहाँ पे किए थे सभी हमने यहाँ पे भी किया था, रिफ्रेश भी किया था, शायद रिफ्रेश भी रिकॉर्ड हो जाए। देखिए तो इस तरह से आपके जो भी एक्शन स्क्रीन पे करेंगे तो ये रिकॉर्ड हो जाएगा, और क्वालिटी भी अच्छी है इसकी, रिकॉर्डिंग क्वालिटी भी अच्छी है। और ये छोटा सा सॉफ्टवेयर, इसको इंस्टॉलेशन करने की भी जरूरत नहीं, जैसे आप ओबीएस में रिकॉर्ड होता है उसी तरह से यहाँ पे भी रिकॉर्ड होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और चैनल पे कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ में इसे जरूर शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।